أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. आज की इन आयतों से जुड़ी हुई साबिक में जो गुजरी हैं आयतें जिसके अंदर ईमान वालों को ख़ास तौर पर ताकीद करते हुए मुसलमानों में एक ख़ास बीमारी मामलात की आपसी मामलात में ख़राबी की पैसों के ज़रिए से किसी के ऊपर दबाव डालने की जो शक्ल इख्तियार करते हुए सूद की शक्ल इख्तियार कर जाती है ये गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है। इस गुनाह की सज़ा भी आम गुनाहों से बढ़कर है। ये तफसीलात कल गुजरी थी। इसकी सज़ा भी इस कदर बढ़कर है बताया गया था कि जो दोज़ख ईमान न लाने वाले काफिरों के लिए अल्लाह ताला ने तैयार फरमा रखी है मुख्तस कर दी है उस दोज़ख के अंदर ईमान वालों में ये आपसी मामलात में जब ये गुनाह के मुर्तकिब होते हैं तो इस जैसी दोज़ख वाला अज़ाब दूंगा। कुरान को समझने वाले समझाने वाले आज भी सारी दुनिया के लिए रहबर बने हुए आइमा से इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था पूरे कुरान में ये आयत सबसे ज़्यादा खौफनाक डर पैदा करने वाली हैबतनाक आयत है जिसके अंदर इस गुनाह के अजाब को काफिरों के लिए जो अजाब मुख्तस किया गया है उस जैसे अजाब का जिक्र इनके साथ जोड़ा गया था। लेकिन मामला में ख़राबी हो गई हो रही हो दुनिया है होती है यही दुनिया है जो इन खराबियों से निकालती भी है यही खराबियों में दुनिया पूरी तरह अपनी ज़िंदगी को इसमें झोंक दे तो हमेशा के लिए दोज़ख उसकी हौलनाकियों का सामना करना पड़ेगा। और यही दुनिया यही ज़िंदगी है जो इंसान को बचाकर हमेशा की राहत और आराम का रास्ता बताने वाली है। ये अल्लाह ताला ने ये गैब वाली बातें अपने मुक़द्दस कलाम के ज़रिए अपने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से बताकर अपने बंदों पर सबसे ज़्यादा मेहरबानी और एहसान फरमाया तो उसी सिलसिले को इनको निकलने का रास्ता बताते हुए इंसान को इस जैसी चीज़ों से तौबा कर कर किधर आगे बढ़ना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तशरीफ़ लाए थे सबके सब मुशरिक थे सब बुत परस्ती करते थे। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत छोटे थे अभी बड़े हुए नहीं थे बालिग हुए नहीं थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में दाखिल हुए इन्हें एक को मौका नहीं मिला बुत परस्ती करने का इसलिए इनके नामों के साथ किताबों में पढ़ेंगे या पढ़ोगे या किसी सुनाने वाले से सुनोगे दौरान तकरीर में या खुतबात में जब सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आता है तो करमल्लाहु वजहु व रज़ी अल्लाहु अन्हु ये दोनों चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सारे सहाबा में आपके साथ मिलती हैं इसलिए कि आपका चेहरा मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ रहा कभी किसी बुत के सामने झुका नहीं इसलिए कि उनको बचपन में मिल गया था इसलिए इस्लाम की तारीख पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे
बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस तरीके से याद भी दिलाया जाता है। तो वहाँ बाकी जितने के जितने थे सब मुशरिक थे, तबीयतों का फर्क था अलग अलग, वो अलग बात है। उस कैफियत को कुरान ने बताया, चंद आयतों पहले बात तफसील से गुजरी है। तो कुंतुम अला शफा हुफरति मिनन नार, अकीदे के एतबार से, बुरे अमल के एतबार से, जो आखिरत में जो तुम्हें मंजिल मिलने वाली थी, बिल्कुल तुम दोजख के किनारे गड़े उसके मुंह तक पहुंच चुके थे। इस्लाम ने आकर मेहरबानी फरमा कर, ईमान की हिदायत और तौफीक देकर दोजख के गड़े से तुम्हें हटा लिया। फिर दोजख के गड़े की तरफ जाने के लिए ईमान लाने के बाद बुरे अमाल की तरफ क्यों पढ़ते हो? लिहाजा उसका मफूज मुखालिफ पाश की आयतों में है, और सारी ओ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम, लिहाजा तुम सुरात इख्तियार करो, दौड़ो, जल्दी करो। असर जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, यानी इसरा है, इसरा वो जल्दी करो। अरबी के तर्जुमे में उर्दू के लिए, उर्दू में बड़ी दुश्वारियाँ होती हैं। यहाँ पर सारी हो, एक दूसरे से मुसाबकत करते हुए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, कंपटीशन जैसा मामला इख्तियार करो, कहीं के लिए तुम्हारे रब के जानिब से मिलने वाली मगफिरत पाने के लिए, तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डलवाने के लिए। तो क्या मगफिरत हो सकती है? जो साहबा ने समझा, उन्होंने जो समझा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझा, तो बाद साहबा ने मग़फ़िरत मिन रब्बिहिम की वजाहत फरमाई, अजी इस्लाम और इस्लामी तालीमात की तरफ ध्यान दो। बाद साहबा ने फरमाया कि मग़फ़िरत से वो बुरे कामों से तौबा कर लो, जो हुआ था हुआ, हो गया, अब उससे अपने आप को दूर कर लो। तौबा कहते हैं उसी को, उसको ख़त्म कर इस चीज़ में लग जाना। इसलिए सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, दीन इस्लाम को इख्तियार करके, दीन इस्लाम में जितने फ़राइज़ हैं, जैसे नमाज पढ़ने, ज़कात फ़र्ज़, माल वाले के ऊपर रोज़े फ़र्ज़, साल में एक मरतबा सदक़ात व खैरात, ज़कात की शक्ल एक अलग है, आम सदक़ात व खैरात गरीब के साथ, अमीर के साथ, सबके साथ जुड़ा हुआ है। तो उस मग़फ़िरत को पाने के लिए तुम बहुत जल्दी मुसाबकत करो। अगर ये करोगे तो उसके बदले में तुमको मिलेगी उसके बाद वो जन्नत, उस जन्नत को पाने के लिए तुमको खामखा मशक्क़त में भी डालना नहीं चाहते। अब रास्ता बदलने के लिए नफ्स के ऊपर काबू पाना पड़ता है, अपने आदात व अतवार को बदलना पड़ता है, अपनी फिक्र को बदलना पड़ता है। जब बदलेंगे तो ज़िंदगी के रूट भी बदलेंगे, तरीक़े भी बदलेंगे, कमाने के तरीक़े भी बदलेंगे। ये ढब तरीक़े से लेन देन वाले मामलात का नाम तो सूदी कारोबार था। इंसान का इंसान के लिए जालिम बन जाना, किसी का मजलूम बन जाना था, उसकी ज़िंदगी की रोटी रोज़गार का ज़रिया सबब समझ बैठा था। और जो उसी के पीछे पड़ा, कुरान इतने जायद, एक से जायद मतलब कहा है, हम उसको उसमें देते हैं बरकत, इसलिए वो आगे बढ़ते हैं दुनिया में। लेकिन आखिरत में हमारे लोगों की आखिरत में खलाफ, आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। कुछ वो करो कि दुनिया भी मिले, दुनिया के जीवन में आखिरत बन जाए। आखिरत को पाने के लिए कुछ और करना नहीं है, दुनिया में रहना है, दुनिया में पैदा की हुई चीज़ों से जुड़ना है, खाना है, पीना है, वो तमाम मामलात करना है जो गैर मुसलमान भी करता है। उसको भी भूख लगती है, आपको भी भूख लगती है, उसको भी खाना, आपको खाना, खाने के लिए अस्बाब का पीछा करना, कमाना, मेहनत करना, मजदूरी करना, सब करना, लेकिन सिर्फ तरीक़े का है, हलाल का हराम, सही और गलत का फ़र्क पैदा करो बस।
रहमत के लिए बताया, किसी ने देखा नहीं, कोई जानता नहीं। वो जन्नत जिसकी चौड़ाई तमाम आसमानों जमीनों के बराबर है, ये इंसान को समझने के लिए। अभी इंसान आसमान तक ही नहीं पहुंचा, आसमान की हकीकत का ही पता नहीं चला। ये बड़े बड़े सैयारों को नाम आसमान का करार दे लिया आज तक की साइंस भी। लेकिन मजहब ये बताता है कि एक थिकनेस रखने वाली एक चीज आसमान है, फिर आसमान के ऊपर आसमान बस समझाने के लिए यूँ बताया गया कि इस तरह एक प्याज है, प्याज की एक पदर के ऊपर जैसे पदर रहती है, लेकिन फर्क है कि प्याज की पदर के ऊपर पदर जुड़ी हुई रहती है, मिली हुई रहती है। एक पदर से दूसरी पदर के दरमियान में 500 साल की मसाफत ट्रैवलिंग करने का फासला, इतना बड़ा फासला है। इस तरह सात आसमान, वो आसमान तो मिला ही। अब ये जो दिखाई देता है इंसान की नजर की हद का नाम है, जिसकी बिनाई कमजोर है उसको खरीद दिखता है, जिसकी बिनाई बहुत तेज है उसको ऊपर दिखाई देता है। ये हमारी नजर की इंतहा का नाम है, जो दिख रहा है, जो दिखने वाली चीज है तो भिजा के पकड़ो इंसान, तो पहुंच ही नहीं सकते। उसके नीचे वाकई जो सैयारे, खाली मिर्रिख सैयारे के लिए जो छोड़े गए सैयारे, उसका सफर हर घंटा 60,000 किलोमीटर की रफ्तार से पूरे 12 साल की तकमील के बाद हुदूद मिर्रिख में इनका रॉकेट पहुंच सक रहा। 12 साल मुकम्मल होने के बाद इसमें से हर घंटा पहुंचाने वाली की रफ्तार 60,000 किलोमीटर, लौटने के लिए भी 12,000, पूरे 12 साल की तकनीक चाहिए। ये सब आसमान के नीचे। अब इसी की हदूद में तलाश में तो आगे बढ़ते इसको तलाश मिली। ये 16 सिस्टम एक नहीं, 20 सिस्टम। ये जितना कुछ निजाम सुनते हैं एक सोलर सिस्टम, जिसको हम निजाम शमसी कहते हैं उर्दू, इसी के हुदूद का इहाता नहीं कर सका इंसान। उसके ऊपर वाली चीज आसमान की है। ऐसे सात आसमान, एक आसमान से दूसरे आसमान के दरमियान में इतना बड़ा फासला, सातों आसमान और जमीन की चौड़ान को ले लो, इतनी बड़ी है जन्नत। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला उनसे दरियाफ्त किया गया कि आखिर जन्नत आहिया फिस समाई अम फिल अर्ज़, क्या आसमान में जमीन में है? तो आपने फरमाया आसमानों में कौन से आसमान के अंदर इतनी गुंजाइश है कि जन्नत समा सके उसके अंदर? अजी जन्नत सातों आसमान के ऊपर अर्श के नीचे। इसे बताया गया यकीन करने के लिए, मुशाहिदा तो है नहीं लेकिन इस मंजिल से गुजरना है, नेक है तो वो मंजिल, और दोज़ख जब वो उतने ऊपर तो उतने नीचे, इंसान की समझ के लिए जमीन के नीचे, खाली समझ के लिए, तजबी हकीकत नहीं। इसलिए कि जमीन नीचे है, इसमें नीचे वाला बोल रहा आप लोगों को, आप नीचे हैं, आप बोल रहे हैं उस वालों को तुम नीचे हैं, बिल्कुल इस हिंदुस्तान के मुसावी नीचे अमेरिका है, अमेरिका वाले कहते हैं कि तुम नीचे हो, आप कहते हैं कि वो नीचे हैं, बिल्कुल अंडे जैसे बोल रहे जमीन। तो वो जन्नत जिसकी चौड़ान आसमान और जमीन के बराबर है, तो लम्बान का अंदाजा, इसकी सबसे बड़ी बड़ाई का फहम करीब करीब मुकम्मल नहीं इंसान के इसमें है। तो चौड़ान को बता दिया गया, उसके लम्बान को बताने के लिए आपकी समझ से बाहर है तो बताया भी नहीं जा सकता। तो ये जन्नत
متقیوں کے لیے تیار. متقی کہتا ہے دین اسلام میں جڑ کر دین اسلام کی زندگی کے ہر موڑ پر بتائے گئے جتنے احکام ہیں اس کو حکم خداوندی سمجھ کر اس کو اختیار کرنا, اپنی پوری کوشش سے کرنے کی کوشش کرنا. جب سچ اور جھوٹ کا معاملہ آتا ہے تو سچ کو اختیار کرنا, ذری دیر کے لیے آپ کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہو, مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہو, سچ بولنے پر خود کو نقصان اٹھانا پڑتا ہو, سچ بولنے پر اپنے ماں باپ کو نقصان پہنچانا پڑتا ہو, سچ بولنے پر اپنے اولاد کا نقصان ہو سکتا ہو, سچ بولنے پر آپ کی نوکری کے اوپر فرق پڑ سکتا ہو, سچ بولنے پر آپ کو جیل جانا پڑ سکتا ہو, وغیرہ وغیرہ سب آئے گا. مشقت ہوگی نا, مشقت کے بعد یہ راحت ہے. نہ معلوم اس لیے سر ایک نے کئی انداز میں قرآن نے بتایا تو ان تذکر جنت مسلمان سے, میں مسلمان بول کے جنت کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت مل جائے گی, جنت میں چلے جاؤ گے؟ جنت یوں مل جانے والی ہے. سورہ بقرہ میں فرمایا کہ محسر تم تسکل جنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, میں ایمان لیا مسلمان ہوں مجھے جنت مل جائے گی سمجھتے ہو؟ اس کو ہماری اپنی بگڑ ناشائستہ لہجے میں اگر ترجمہ کرو, ترجمہ غلط نہیں بالکل صحیح, کیا تم اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ انداز ناشائستہ, مفہوم بالکل صحیح. جو اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے اس مرحلے پر جس پر سب سے کمال درجے کا یقین انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو ہے, حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ, پکے ایمان والے اور سارے انبیاء بھی کہہ دیے مشقتیں اٹھاتے ہوئے مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ مدد فرمانے کا جو وعدہ فرمائے, متا نصر اللہ, آخر اللہ کی مدد ہوں گی کب؟ زبان پر قابو نہ رکھ کر انبیاء کی زبان سے تک یہ نکل پڑا, اللہ نے یہ فرمایا اس کا الا ان نصر اللہ قریب, وہ اللہ کا قریب. یہ سورہ آل عمران میں اسی کو بتایا, اسی میں چار آیتوں کے بعد وہی آنے والا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم, اسلام کے لیے ایمان کے اوپر باقی رہنے کے لیے, ایمان کی مدافعت کرنے کے لیے اپنی جان لگانے کا موقع تم کو کبھی ہاتھ آیا؟ اس وقت ایمان کو ترجیح دیتے ہوئے اپنی جان کی, مال کی, اولاد کی, گھر کی, زندگی کے اسباب کی پرواہ کیے بغیر جد و جہد کر کے کیا کبھی تم نے بتایا؟ ابھی چاہ رہا ہے تو ان بات کوئی آنے والا. اسی کو سورہ نمل میں ہوں بتایا, مفہوم وہی ہے, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم کو مصیبت میں نہیں پڑیں گے, اللہ تعالیٰ مصیبتیں نہیں دیں گا, کیا تمہارا یہ خیال ہے؟ جی تم پریش مصیبتیں ہوں لے گا. میرا خیال پتن الذین من قبل, اس سے پہلے جتنے بھی مسلمان گزرے ان کے ساتھ ایسے کیا گیا. ارے کیوں بھائی؟ فلا یعلم اللہ الذین صدقوا, تمہارا جو دعویٰ اسلام کا ہے مسلمانوں کتنے سچے, کتنے پکے, کتنے اچھے, اب خود پتا چل جاتا. اب دیکھیں گے یہ معیار خدا ہوں. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت تیار ہے, تیار کرنا نہیں ہے, تیار ہے. اور اس میں جلد سے جلد تم کو داخلہ دلانے والے بہت سے اعمال ہیں. ان تمام عبادتوں میں پیسہ سب سے بڑا ہے, دیکھو جو نکلتا نہیں آدمی سے. لاکھ روپے تو 100 روپے نکلتا, جو 100 روپے دینے والا خیرات ہے لاکھ 25 یہ نہیں دینے کے برابر ہے. دوسرے لاکھ میں فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء, جو لوگ خرچ کرتے ہیں مسرت میں, خوشحالی میں, تنگی نہیں ہے ان کی زندگی میں, زندگی کے اسباب ان کے پاس مہیا ہیں,
इत्मीनान से चल रही दुनिया कुछ भी होती हो, यहां तक है गर्मी के लिए कूलर भी है, गर्मी के लिए एसी भी है, घर में मैं अफसर नहीं, ठीक है मैं मस्जिद में आके बैठता हूँ, नहीं खोले तो मस्जिद में लड़ता हूँ, बैठता उसको खोल रहे क्यों नहीं खोलता, ये सब कुछ है, मैं जेब से नहीं निकलता, मैं घर के पूरी जरूरतों के लिए अड्डा भी बना लेता हूँ मस्जिद के लिए, मैं घर का तार उठाना भरना नहीं चाहता, यहाँ भरना चाहता हूँ, मैं बुरे घर में नहीं करना चाहता, यहाँ करना चाहता हूँ, बिल्कुल जायज नहीं है, जो कर रहा गुनाह है, गुनाहगार है, समझना। जबकि उसको फख्र फाखा नहीं है वगैरह वगैरह, बातें छोटी हैं, खराबी जो ईमान में पैदा होने वाली यही चीजों की है, इसी के बाद मुसलमान को इस्लाम बताते हैं, इस्लाम में बाकी रहने के तरीके बताते हैं, जो लोग खर्च करते हैं मसर्रत में, खुशहाली में और तंग हाली में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सबका दिरहम अला मियातिन, उस जमाने में दिरहम था, जमाने में रुपया का हुआ, एक रुपया 100 रुपये के ऊपर बाजी मार लिया, साहबा ने पूछा ये कैसा यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजी पैसे वाला एक 100 रुपये देता है, खैरात करता है अगर अल्लाह की नियत से, तो उसके ऊपर जिसके पास 2 रुपये हो उसमें से 1 रुपया खर्च करता है अल्लाह की राह में, तो ये 1 रुपया 100 रुपये के ऊपर बाजी मांग लिया, अब कितने देना क्यों देना इंसान फैसला करता है। वो जात ने भी समझा दिया अली सलात वसलाम, जिनको रब ने जन्नत का मुशाहदा करवा दिया, दोज़ख का मुशाहदा करवा दिया, अर्श का खुर्ब बतला दिया, इब्राहिम अलैहि सलातो वसलाम को तो मलकूत समावाती वलर्ज सातों आसमानों की हकीकत तक बतलाया था, आपको सातों आसमानों के ऊपर अर्श तक के सारे के सारी चीज़ों की हकीकत को बतला कर उनके उम्मतियों को आपके जरिए से हकीकतें बतला दी गई, कौन कितना यकीन रखता है वो उसकी अपनी मर्जी। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सखी करीब मिनल्लाह करीब मिनल जन्ना करीब मिनन्नास बईद मिनन्नार, दिल खुला रखना वाला शख्स अल्लाह ताला के बहुत करीब रहता है और वो जन्नत के भी बहुत करीब रहता है और तमाम लोगों से भी सबसे करीब हो जाता है और दोज़ख से दूर हो जाता है। फिर इसी मखूल मुखालिफ को फरमाया अलबकीलु बईदुन मिनल्लाह बईदुन मिनल जन्ना बईदुन मिनन्नास करीबुन मिनन्नास, बकील अल्लाह से दूर रहता है, जन्नत से दूर हो जाता है, तो जन्नत खरीब करने वाली क्या चीज़ है, आयत में तो ही बता गया वकील अल्लाह से दूर हो जाता है, जन्नत से दूर हो जाता है, लोगों से भी दूर हो जाता है, लोग उसको नहीं पसंद, दोज़ख से खरीब हो जाता है। वल जाहिल सफियु अहब्बु इलल्लाहि मिनल आबिदी, एक जाहिल अनपढ़ ज़्यादा समझ नहीं रखता लेकिन सखावत वाली कैफियत अख्तियार करता है, शबो रोज़ इबादत करने वाला, तस्बीह ढालने वाला, तहज्जुद पढ़ने वाला, सौमसियात का पक्का पाबंद, आबिद बोले तो मकाम बढ़ा है, सिर्फ 5 नमाजें पढ़ने वाले को आबिद नहीं कहते, सिर्फ 5 नमाजों की अदायगी 30 रुपये की तकमील क्या करने वाला आबिद नहीं है। यह आबिद पूरी वो तदबीर करता है, कम से कम जिंदगी में 24 घंटे में 5 नमाजें नहीं पूरे 50 नमाजों की तकमील करता है, क्योंकि असल में इस उम्मत के लिए 50 नमाजें फर्ज हैं, 5 नहीं है।
بفضل رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا میں اپنے فیصلے کو بدلتا نہیں، 50 ہی ہیں، ٹھیک ہے رعایت دیتا ہوں، 5 پڑھو، 1 نماز کے 10 نمازوں کا ثواب دیتا ہوں، لیکن جس کو عابد کہتے ہیں یہ پورے 50 نمازوں کی تکمیل کرتے ہیں، عنوان کبھی صلاۃ المسجد کا، عنوان کبھی اشراق کا، عنوان کبھی چاش کا، عنوان کبھی نماز خضر کا، عنوان کبھی نماز خوف کا، عنوان کبھی صلاۃ ابوابین کا، عنوان کبھی صلاۃ الوضو کا، وضو کرنے کے بعد پھر مسجد میں آنے کے بعد، عنوان قیام لیل کا، عنوان تہجد کا، صحت کا ذکر کرنے والے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزانہ 2000 رکعتیں پڑھتے ہیں، تو 2000 رکعتوں کا مطلب ہوا 1000 نماز، 50 نہیں، 2 رکعت کو 1 نماز کرتے، اس حساب سے 2000 رکعتوں کا مطلب ہوا 1000 نماز، ابو منصور کو بھی جس دن سولی دینے کے لیے تیار کر دیا گیا، صبح میں سولی پر چڑھانا ہے تو رات میں انہوں نے سب سے کم نمازیں پڑھی، تو 500 رکعت نماز پڑھا، اب اس کو چھوڑ دی بنی، تو اب ہمیں صرف 5 نمازیں اس کے سنن اور نوافل کے ساتھ، لیکن ہم مسجد میں زبردستی حکم کی تعمیل کے لیے مغفرت من رب کی تفسیر کے اندر صحابہ نے توبہ کی، کسی نے ادائے فرض کی، دیگر صحابہ نے فرمایا کہ نماز میں تکبیر اولا، ایسے نماز پڑھتا ہے لیکن تکبیر اولا کو پاتا نہیں، حدیث شریف میں کہ 40 دن تک 5 نمازوں کی تکبیر اولا میں جو شخص شریک رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے لیے حضرت کی طرف سے ایک صداقت نامہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ منافق نہیں ہے، منافق اس کو کہتے ہیں، مسلمان کچھ بولتے ہیں، شکل مسلمان شرارت کرنے والا، کفر نہیں کرتا، بشکل مسلمان شرارت کرنے والا، بشکل مسلمان شرارتوں کا نام ہے، علامتیں جھوٹ بولنا، علامتیں خیانت کرنا، علامتیں بے وفائی کرنا، پیدا خامو صلاحت خامو خصال منافق کا ذکر کر کے آیا ہے سورہ نساء میں آئیں گی تفصیل، نماز سستی کا مظاہرہ کرنا، رکعت بھی تو یوں یوں کرنا، پیان بند ہوگا تو اس طرح کرنا، نماز میں بہتر تو سستے کرنا، مساجد میں دیر سے آنا اور جلد سے جلد اپنے آپ کو نکال کے باہر کر دینا، یہ کیا مصیبت میں گھڑے میں ہوتا نہیں، اور یہ کیفیت بتاتی ہے، آپ کچھ بھی بولو، اگر کسی ضعیف کو پوچھے، لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ اچھے ہیں، ابھی اچھے ہیں، ماشاء اللہ کے اچھے ہیں، کیا مطلب ہوا ابھی نہیں مرا بٹا، یہ بولتے نہیں، سوال ہی اچھے ہیں اور کیا، سوال یہی ہے ابھی اچھے کا کیا مطلب ہوا، ابھی زندہ ہے، ابھی مرا نہیں، مطلب کچھ ہوتا اور کیا ہوتا، اور کچھ نکلتا تو بتاؤ، یا بھی اچھے ہیں کیا مطلب ہوا، اچھے ہیں ٹھیک ہے وہ الگ بات، لبید بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ تو اسی سوال سے پریشان تھے، کوئی زیادہ نہیں 145 سال کی عمر دیا تھا اللہ تعالیٰ، بتاتے کہ صحیح تو میرے حیات و تو لیا اس والی حاضر نہ سے کیفا لگی تو کیفا لگی تو، ایک تو عمر اتنی دراز ہو گئی، میرے زمانے کا کوئی نہیں رہے، میرے سامنے پیدا ہوئے لونڈے آج بڑے بڑے بن گئے، انہیں بنے کوئی بھی میرے ہمدے صاحب نہیں جس سے گفتگو کروں پہ تک کر لو، یہ بیزارگی ایک الگ ہے، لیکن سب سے بڑی بیزارگی جو کچھ تک کیسا ہے، اچھا بھی ہے، ابھی چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں،
माशाल्लाह दावत में शरीक हो रहे, रजा भी अच्छी चल रही, क्या हमारा हक मार रहा वगैरह वगैरह कुछ भी हो रहा। तो सर्राई व जर्राई हर कैफियत में, दूसरा आदमी आपने फरमाया हो तो दोज़ख से बचने के लिए अल्लाह की राह में खर्च करो, वलाउ बिशक्के तमर, अगर कुछ भी नहीं खजूर ही एक खजूर है तो उसके दो हिस्से कर कर एक खाओ, तुम एक हिस्सा दो। और अक्सर फकीरों को जो देते हैं ये गरीबा देते हैं, कम पैसे वाले थोड़े पैसे वाले कहाँ तलक जाते हैं, कहाँ से निकालते हैं, ये सही गला मोटर वाले कारा वाले नहीं देते, अमल में देते, कम पैसे वाला देता कम में से कम देता हूँ, ज्यादा वाला ऐसे मोड़ पे देता है कि नुमाया तौर पर मालूम हो कि मैं तो यहाँ हूँ, क्योंकि फिर सफीती है तो फिर मैं तो यहाँ हूँ, मेरी फेरिस में आए मत दो, ये नहीं करो, वो भी देना ये भी देना, वो भी खर्चे ये भी खर्चे, हासिल होने वाला स्वभाव वो इरादे नियत को जो अल्लाह ताला जाने वाला है वो कैफियत अलग है। अहिलुल्लाह के पास सबसे अच्छा तरीका है, इसी फिक्र का मैं भी शायर हूँ, दर्दों ने का तो अलग बात है, अल्लाह से लेने का तरीका देना बहुत ज्यादा फॉलो करने वाले, मैं अपनों को ताकीद करता हूँ, तेरे पास 100-10 रुपये भी आ गए तेरे पास, अगर से कि आने के छाए जरिए से चाहते हैं, हम उसको मुकर्रर नहीं करेंगे, तेरी अपनी मर्जी से चार आने से आठ आने से ही एक रुपया से ही पहले निकाल के खर्च कर, तेरे ये 10 रुपये में बरकत होगी, फिर कुदरत कैसा नवाजते रहती है देखते चल रास्तों से। ज़कात एक अलग चीज़ है जमा होने के बाद, इसलिए दुकानदारों के लिए आकाम के रोज़ का रोज़ कुछ ना कुछ देना है, लेकिन दुकानदार क्या जुमेरात है, चलो जुमेरात को ना फिर आ रहे, हफ्ते के पूरे दिन आते तुम, कि हफ्ते के पूरे दिन उसका पेट नहीं है, ठीक है हफ्ते को एक मरतब आता हूँ, तो फिर वो एक ही रुपया के को देता है। अब ये जायद चीज़ आप फकीर को एक रुपये का सिक्का 2 रुपये का सिक्का देते तो कैसा दुआ देगा उन्हें, क्या दुआ के काबिल है वो, क्या रहा आपके 2 रुपये के सिक्के में, जुमे को मस्जिद के गले में भी रुपये का सिक्का डालता है, 4-5 हफ्ते से 1-1 रुपये के सिक्के गिन भी रहा हूँ हिसाब करते हुए, किसी गुनवान से खर्ज लेने के लिए रुपये देकर 1-1 रुपये का सिक्का डाल के निकल जाता है, उन्हें दूसरे सब कहाँ से देगा, मस्जिद के गले में 1 रुपये का सिक्का गिरा रहा हूँ नहीं, और ऐलान करते आवाज से बाजा बजने वाला डब्बा है जिसके अंदर डालते खट खट बोलकर आवाज कर सकते पूरी तरह गिरा रहा है। तो लेने का तरीका कुदरत जो बताइए देने पर लेना है, कुदरत जो भी है जितने आकाम है पहल तू कर फिर मैं दे दू, पहल तू कर मैं दे दू, पहल तू कर मैं कर, क्या नहीं मालूम अल्लाह ताला को, फिर भी वहां तो उजू नहीं, अरे मांग रहे मुझसे क्यों मांगो, आप सब जानते हैं ना मेरा, फिर मैं मांगोगे को नहीं, नहीं तुम मांगा तो क्यों मांगा, इसलिए फरमाया कि तू एक बारिश आगे बढ़ मैं एक हाथ बढ़ूंगा, तू चलते हुए आ मैं दौड़ते हुए आऊंगा, तू इसमें से निकाल मैं तुझे नवाजूंगा, कैसा नवाजूंगा तो यकीन तक चलेगा। फिर दूसरा वल काज़िमीन अल-ग़ैज़ा, गुस्से पे कंट्रोल करते हो, तब काबिले गुस्से वाली चीज है उस वक्त गुस्से को पीना, अब हक बनता है आपका डांटने का गुस्सा करने का, वहां पर अपने गुस्से पर कंट्रोल करना ये बड़ी दुश्वार बात है, कहना आसान है गुस्सा दिला उसके बाद देखो, वला आफीना अनिन्नास, लोगों के साथ गलती करने वालों के साथ, मैं चार उस पाबंदी कर तो एक शख्स जूता बन के अंदर आया तो क्या आपको समझ में नहीं आता जूता बन के वहां तक आ गए, अरे अंदाज इख्तियार कर देते शरीयत कहती है कि उदू इला सभी रब का बिल हिक्मा,
हक के साथ बोल देना नहीं है, हिकमत तदबीर भी इख्तियार कर उसको आगे बढ़ावा सकते, ताकि बोली हुई चीज सही चीज बताई हुई बेकार जाने ना पाए। बोला फिर नास वल्लाहुल मोहसिन, इन जैसे बंदों को अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है। पसंद का तरीका बता दिया, मुसलमान के साथ ये ताकि अगर ऐसा ना कर उस पर अड़ जाता हो तो उसके मुतालिक अंजाम अगली आयत सुभान अल्लाह।